तानाशाह चुने या चंद्रगुप्त की तलवार चुने, साकेत नगर का हत्यारा चुने या अशोक महान सम्राट चुने। आज जो वहाँ बैठे हैं सत्ता में, वो ना गरीबी को जानते हैं, ना किसानी को जानते हैं, ना मजदूरी क्या चीज होती है उनके दर्द को नहीं जानते हैं। जागो उठो बहुजनों, उसको कब तक बांटे जाओगे? जागो उठो बहुजनों, उसको कब तक बांटे जाओगे? सारी उपद्रवी चौराहों पर तुम सड़कों पर काटे जाओगे। ये तो हम पर निर्भर है, ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार सुने, ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार सुने और कैसा हमारा नेता हो और कैसी हम सरकार सुने। और बहुसंख्यक समाज की जो समस्याएं हैं उन्हीं पर बात करूंगा। इससे पहले आपको इसी से साफ हो जाएगा, मुझे ये खुशी हो रही है बताते हुए, मैं आपकी बहादुर सेना का एक सिपाही रहा हूँ। 30 साल पहले मैं सेना से सेवानिवृत्त होकर आ गया था और तभी से समाज की गंदगी को साफ करने में हम लगे हुए हैं। मैंने कोई जॉब ऑफर नहीं ली है, जॉब मुझे मिली थी ऑफर मैंने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो गंदगी फैली है, उसको साफ करने का बीड़ा हमने उठाया था। जैसा कि आज मेरा बेटा हमारे बीच में नहीं है, उसने भ्रष्टाचार के बारे में बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की थी और मेरे से एक कमिटमेंट लिया था, मैंने उनको वचन दिया था हम भ्रष्टाचार को खत्म करके रहेंगे। दुर्भाग्यवश जिस दिन वचन दिया उससे आज 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन मैं और मेरी पत्नी संतोष मलिक, इन्होंने भी एक NGO बना रखा है, मतदाता जागृति संगठन, और ये जो पार्टी का जो गठन हुआ है फौजी जनता पार्टी, ये जंतर मंतर पर आपको पता होगा वन रैंक वन पेंशन की मुहिम चली थी और कायदे से तो वो आज भी चल रही है, थोड़ी सी देर के लिए आते हैं। वो तभी चली थी यानी जब आपको पता लग गया कि ये सेनाओं की भी नहीं है ये सरकार, तो और किसी की हो ही नहीं सकती है। और सेना के अंदर ये जो बहुसंख्यक जो हमारा समाज है, ये सेना के अंदर यूं का यूं है, वहाँ कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, सब बराबर है, एक ही जगह खाना खाते हैं, एक ही जगह सोते हैं, एक ही जगह लड़ाई भी लड़ते हैं, देश की रक्षा के लिए सब एक साथ समर्पित हैं। तो ये बहुसंख्यक समाज है जो देश को चला रहा है, देश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा दुखी है। और जो मुख्यमंत्री लोग हैं जिनका इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है, जिसने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया है, बाबा साहब के बनाए संविधान का कभी सम्मान नहीं किया है, वो आज देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। भारत की पवित्र धरती, भारत की संस्कृति और भारत के संस्कार दुनिया में ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आज हमारी संस्कृति को एक किस्म से बर्बाद कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मैं आपको किसी एक पार्टी के खिलाफ या उसके हक में कोई बात नहीं कहूँगा। कुछ महीनों से हमारी 3-4 महीने से किसानों के साथ बहुत महत्वपूर्ण मीटिंगें चल रही थी और मैंने उनसे ये निवेदन किया था, NDA और इंडिया दोनों को बाहर करने का समय आ गया है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। नाराज नहीं होना कोई, आप अगर इनमें से किसी का हिस्सा है नाराज नहीं होना, जो सच्चाई है मैं वो बता रहा हूँ। ये दोनों एक ही हैं, NDA और इंडिया दोनों एक हैं। एक में मौका खत्म हो जाता है, दूसरे में चले जाते हैं, जब वहाँ दरवाजे बंद तो यहाँ आ जाते हैं। हाल में आपने देखा होगा कि क्या हो गया है बिहार में, यानी चरित्र नाम की चीज आज है नहीं राजनीति के अंदर। आज राजनीति सबसे लोएस्ट स्तर पर, निचले स्तर पर पहुंच गई है, ये शर्मनाक है। इससे ज्यादा दुखद हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है। हम अपने युवाओं को, बहन बेटियों को क्या संस्कार दे रहे हैं, क्या शिक्षा दे रहे हैं इस राजनीति से, बहुत ही दुखद है ये। तो ये जंतर मंतर से एक आवाज उठी थी कि जब ये सेनाओं को भी ये बर्बाद कर रही है सरकार, तो वहां से एक आवाज उठी कि अब सैनिकों को राजनीति में आना पड़ेगा। और जैसे हम सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, वैसे अब हमें संसद की रक्षा करनी पड़ेगी। तो मैंने किसानों को ये कहा था, आप अपने बीच में से देखिए, गरीब ही गरीब के दर्द को समझता है और गरीब ही गरीब को दे सकता है, किसान किसान के दर्द को समझता है। आज जो वहाँ बैठे हैं सत्ता में, वो ना गरीबी को जानते हैं, ना किसानी को जानते हैं, ना मजदूरी क्या चीज़ होती है उनके दर्द को नहीं जानते हैं। तो ये मैंने उनसे कहा था किसानों से, और उन्होंने मुझे ये कहा, सर इस वक्त समय जो है दूसरा है,
अभी इस वक्त एनडीए को आउट करना है और इंडिया गठबंधन जीत की तरफ बढ़ रहा है, हमें उनका साथ देना चाहिए। मैंने उसी दिन उनको कहा था एफिडेविट बनवालों में साइन करने के लिए तैयार हूँ, आज ही साइन कर लिए, 4 महीने पहले की बात है। इंडिया गठबंधन एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि चुनाव से पहले मैंने उनको कहा था, आप जाके पूछ लेना, मैंने कहा था चुनाव आने से पहले आधे इसमें से बिक जाएंगे, पाला बदल लेंगे और आधे जो है जेल में जाएंगे। आज वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसानों के कल मेरे पास फोन आए परसों, ये नीतीश कुमार का एपिसोड होने के बाद, सर आप सही कह रहे थे, मैंने कहा अभी भी समझ जाओ। तो मैं आप सबसे बहुसंख्यक समाज से निवेदन करूंगा, संतोष मलिक जी जो मतदाता जागृति संगठन चला रही है उसका मकसद एक ही है, राजनीतिक दलों को उम्मीदवार तय करने का कोई अधिकार नहीं है, ये अधिकार है क्षेत्र की जनता को, विधानसभा क्षेत्र की जनता या संसदीय क्षेत्र की जनता, उनको अधिकार है उनका जनप्रतिनिधि कौन होना चाहिए ये उनको मालूम है। पार्टियों को कहा, पार्टी तो लाते हैं अपने हित के लिए गुंडे बदमाशों को ला करके ताकि वो पैसा कमा के उनको दे। मैं आपसे ज्यादा लंबा समय ना लेते हुए निवेदन करूंगा, विधानसभा क्षेत्र अभी फिलहाल विधानसभा के चुनाव नहीं है, लोकसभा के हैं, विधानसभा के आंध्रा में है, तो लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में जनता से संपर्क करके आप अपने अपने उम्मीदवार तय कीजिए, आपका प्रतिनिधि कौन हो सकता है, कौन आपके हितों की रक्षा कर सकता है, कौन किसानों की गरीब की मजदूर की हितों की रक्षा कर सकता है, यानी कि बहुसंख्यक समाज तो आज तक नकारा गया है, अब समय आ गया है उन्हें सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, सारा मैकेनिज्म तैयार है। आप, मैं निवेदन करूंगा, गांव गांव में घूमे, सारा मैकेनिज्म नए जवानों की कृषि में लगे हैं, विजेंद्र यादव जी भी लगे हुए हैं, हम इसका पूरी तरह से तैयारी करके गांव गांव में दौरे करें और वहां से हम उम्मीदवार लेके आए ताकि इनकी जमानतें जब्त हो, इंडिया और एनडीए दोनों की जमानतें जब्त हो जाएगी अगर आपने बीड़ा उठा लिया तो। अब आज हम हकों की बात कर रहे हैं, लेकिन हक हम इनसे लेने की बात कर रहे हैं, ये हक नहीं देंगे क्योंकि इनकी वही तो जरूर है, हमारे हकों को खा के वही तो इनकी पूंजी है, वो आपको क्यों देंगे? अब समय आ गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप एक हो जाए, हम लोग बटे हुए हैं इसलिए मार खा रहे हैं, आज ना किसान एक है ना सैनिक एक है, बहुसंख्यक समाज सारा बटा हुआ है, गरीब मजदूर सब बटे हुए हैं, ये आके लॉलीपॉप दिखा देते हैं, बैठा देते हैं और हम इनकी बैठाई मार करके हम इनके साथ हो जाते हैं और वो फिर 5 साल बर्बादी करते हैं। तो मेहरबानी करके मेरा निवेदन है आपसे, एक हो जाए और अपने अपने उम्मीदवार अपने वर्ग में से निकाले, अपने यानी 90% से ज्यादा हमारा ये बहुसंख्यक समाज है और वो चंद लोग जो 10% से भी कम है वो आज इनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। हम अपने उम्मीदवार निकाले, ईमानदार डेडिकेटेड जिसका चरित्र बहुत ऊंचा हो उनको निकाले, तभी ये देश विश्व शक्ति बन सकेगा। ये जो सपना दिखा रहे हैं ये धार्मिक बातों को ला करके जाति और धर्म में बांट करके कभी भी देश को ये ऊपर नहीं ले जा सकते, ये देश बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हमें देश को बर्बाद होने नहीं देना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। मुझे पूरा गर्व है आप पर, आप इस पर विचार करेंगे और हम एक प्रॉपर तरीके से अपना एक व्यवस्था बना करके और इनको विस्थापित करेंगे, इनको हम उखाड़ेंगे। हम ऐसा परिचय दे रहे हैं, अगर शायद इस समय सबको पता है कि 8 बजे का समय था, लेकिन अगर देखा जाए 8 बजे के समय में भी हम ऐसा परिचय दे रहे हैं, यदि कोई सभा समाज से कोई पत्रकार आ जाए तो क्या कहेगा कि वहां पर जो बहुसंख्यक थे वो किस हालत में थे और किस तरीके की वहां पर सभा चल रही थी। मेरा परिचय है, मैं लोधी किस्मा राष्ट्रवादी, 250 से अधिक सभा और 1000 से अधिक नुक्कड़ सभाएं कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक लगातार मैं जा रहा हूं और घूम रहा हूं, लेकिन खासकर मैं अपने बहुजन समाज में जाता हूं और बहुजन समाज में जब जाता हूं तो देखने को मिलता है हर एक मंच पर कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग जा रहे हैं और बहुजन समाज पर भी लिखता हूं 2 पंक्तियां, आप सुन लीजिए। समझ हम इतिहासकारों को जाते, समझ हम इतिहासकारों को जाते, अमर जवानी कुछ होती, पद्मावत का जोहर न होता, सिमा जवानी कुछ कुछ होती, गर एक लफ्ज का
अगर एक लगता मैं पढ़ता हूँ था तो महाभारत की कहानी कुछ होती। तो साथियों, मैं आपके समक्ष एक कविता के माध्यम से अपनी बात रखूंगा कि पहाड़ों से पीड़ा को, कि पहाड़ों से पीड़ा को अपना मीत बनाने आया हूँ, दो दिन के हर आंसू का मैं गीत सुनाने आया हूँ। सागर की बाहों में मैंने सोलों को पलते देखा है और धर्म जात के नाम पर मैंने जिंदा मानव को जलते देखा है। राजनीति के नाम पर मैंने सम्मान को मिटते देखा है। संसद के आंगन में मैंने संविधान को जलते देखा है। जागो उठो बहुजनों, उसको कब तक बांटे जाओगे? जागो उठो बहुजनों, उसको कब तक बांटे जाओगे? सारी उपद्रवी चरणों पर तुम सड़कों पर काटे जाओगे। ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार सुने, ये तो हम पर निर्भर है कि कैसा हम व्यवहार सुने और कैसा हमारा नेता हो और कैसी हम सरकार सुने। घनानंद का तानाशाह सुने या चंद्रगुप्त की तलवार सुने, साकेत नगर का हत्यारा सुने या अशोक महान सम्राट सुने। पुरखों की गाथा पढ़ूं पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। पुरखों की गाथा पढ़ूं पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। पन्ना रामा की गाथा पढ़ पत्थर आंसू बनकर पिघलेगा। अंतिम लाइन में उन महापुरुषों के लिए पढ़ूंगा, अंतिम लाइन में थोड़ा गौर कीजिएगा कि आज उस समय जो बहुजन महानायक थे वो कैसे थे। उस समय कर्पूरी ठाकुर, जिनको अभी हाल ही में भारत रत्न दिया गया है, उनकी विचारधारा कैसी थी। बाबू जगदेव बाबू, जिनको बिहार का लेनिन भी कहते हैं, उन्होंने सीने पर गोली खाई थी। क्या ऐसे नेता आज पूरे भारतवर्ष में बहुजन समाज से देखने को मिलते हैं? आप बताइए, मिलते हैं जिन्होंने सीने पर गोली खाई। आज कर्पूरी ठाकुर का जो मिशन था, उन्होंने कहा था 160 कि संसोता ने बांधी गांठ पिछड़े सामने 160। तो क्या आज वो नारा आपका है? आपको पता है कि बीजेपी ने एक बहुत बड़ी चाल चली है कि कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे दिया, उनकी विरासत को अपनी विरासत समझने लगा है। वो क्यों? क्योंकि हम अपने महापुरुषों की जो विरासत है उसको क्लेम नहीं करते। हम बहुजन जो विचारधारा के जो महापुरुष थे उनके विचारों पर नहीं चलते। वर्तमान में इस तरीके के नेता तैयार हो रहे हैं जिनका आज पलट जाए या कल पलट जाए पता नहीं। क्या हम उन लोगों के भरोसे बैठे हैं कि वो हमारे बच्चों की शिक्षा का, स्वास्थ्य का और रोजगार का प्रबंध करेंगे, वो हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम ऐसे नेताओं के लिए बैठे हैं? बताइए आप, सोचिए। मास्टर काशीराम ने, और एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उन्हीं के समक्ष रख रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात। मैं जानता हूं कि दिल्ली में बैठकर लोग, कमरों में बैठकर लोग पूरे देश में क्रांति लाना चाहते हैं, कमरों में बैठकर के। अगर सोचिए, मास्टर काशीराम ने ये सोचा होता कि कमरे में बैठकर क्रांति आ सकती है तो वे कभी कमरे से नहीं निकलते। वो कमरे से निकले, गांव-गांव में पूरे भारत में घूमे और एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाई जो भारत में तीसरे स्थान पर आती है, बहुजन समाज पार्टी। लेकिन आज वो पार्टी कहां है आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि आपके बहुजन समाज की एक भी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है? तो क्या हम बहुसंख्यक लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं बना सकते क्या? क्या हम कमरे में बैठकर ही क्रांति लाने के बहुत बड़े वादे करते हैं क्या? और मैं देखता हूँ, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपके जो पत्रकार है, मैं भी एक पत्रकार हूँ, भाषा ऐसी है जहां पर आप बाहर चले जाइए, जो ज्यादा चीख कर बोलेगा, ज्यादा तेज बोलेगा, उसी का बैग लिया जाएगा। कितना सही है, कितना गलत है, कितना तथ्य से बोल रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं।
दो चार सवाल धीरे धीरे राम मंदिर पे ले लीजिए, या फिर आपका राम मंदिर बन रहा है, या 5 करोड़ अनाज मिल रहा है, ये 2-4 क्वेश्चन लगातार प्रत्येक व्यक्ति से पूछते हैं। मैं कहता हूं आप विविध सवाल पूछिए, अपने कहीं ना कहीं जो हम सवाल पूछते हैं उसका लेवल बढ़ाइए। मैं बहुत बड़ी बात ना कहकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमटेक किया है, 96 मेरी परसेंटेज है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। बस बुलावा आ चुका है कि भैया थोड़ी सी कम बात बोलिए, लेकिन मैं गांव गांव में आज कृष्णा राष्ट्रवादी नाम से अगर गूगल पर भी आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रंसम में कृष्णा राष्ट्रवादी किस चिंगारी का नाम है, किस क्रांति का नाम है, जो गांव गांव में हर चौराहे है हर नुक्कड़ पर जाकर अपने बहुजन समाज के लोगों को जगा रहा है और एक मिशन चला रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बहुजन महापुरुष होंगे, चाहे काशीराम हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे बिहार के जगदेव बाबू कुशवा हो, उन्होंने सीने पर गोली खाई तो हमारे भविष्य के लिए, और हमारे भविष्य कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़कर उज्ज्वल हुआ। लेकिन सोचिए आने वाले समय में आपके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। यदि हम अपने घरों से नहीं निकले, थोड़ा सा खाना नहीं मिला तो हम उपद्रवी हो गए, हमने व्यवस्था बंद कर दी, तो ये संदेश हम देते हैं। और बड़ी बुद्धिजीवी लोग, अब हम लोगों को यह तय करना है कि आने वाले समय में हम क्या मैसेज देंगे। मैं उन्हीं के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ जिनकी विचारधारा को लेकर के मैं चलता हूँ। कि भूखे प्यासे रहकर लड़े मरे जो, वो कितनी मंजिल कितनी कोस चले, और कितने चले होश में रहकर, कितने भी बेहोश चले। है नहीं कर्तव्य हमारा, है नहीं कर्तव्य हमारा, हम मुक्ति पर सम्मान करें और पथ पर इनके आगे बढ़कर नौछावर अपने प्राण करें। जय हिंद।